तो गाइज रूप और मेरी 2-3 दिन से पिछले लड़ाई चल रही है, रात भी हमारी काफी हाथापाई भी हुई है। और गाइज ये देखो कंटिन्यू ये ऐसा कर रही है, और डोर भी देखो इसका मतलब क्या है। हाँ, नहीं कर रही मैं कह रहा हूं आपके निकलती है 9 दिन बाद तू क्या नहीं आ जाती है। अगर को बोल रहा हूं तो उधर चल तेरी वजह से हम भी थके तेरी वजह से सब कुछ खत्म हो रहा है। दो शादियां मत किया करने की कभी मत सोचना भाई, मैं पछता रहा हूँ। हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। तो गाइस आप सब लोगों को पता है मेरी 2 शादियां हुई हैं, लेकिन सच में यार बहुत 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 प्रॉब्लम हो जाती है फेस करना, सब कुछ संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, टोटली सब कुछ हमने अपनी स्टोरी पे मूवी बनाई है 2 शादियों पे, और मूवी शूट हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, एडिटिंग का काम चल रहा है। 10 मई को इस 10 मई को वो मूवी भी आनी है, लेकिन अब समझ नहीं आ रही आएगी नहीं आएगी, क्योंकि घर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। 2 शादी करने की कभी मत सोचना भाई, मैं पछता रहा हूँ। रूप और मानसी का बहुत ही तगड़ा बजाला झगड़ा हो चुका है। अगर मैं ना ऑलवेज इनके छोटे मोटे झगड़े होते इग्नोर कर देता हूँ, मैं किसी की गलती नहीं निकालता चाहे किसी की भी हो, लेकिन अगर आज की मैं बात करूंगा ना, तो आज गलती रूप की है। रूप का ना पता नहीं क्या सिस्टम है यार, सब कुछ सही चलता है, सब कुछ अच्छा चलता है। जब उसे रूल रेगुलेशन पता चलते हैं, कोई इंटरव्यू में हमारे इंटरव्यू हुआ था, वहां पे उसे रूल रेगुलेशन पता चले कि फर्स्ट वाइफ के पास ये राइट्स होते हैं, वो होते हैं, और उसके बाद इसे कोई रिश्तेदार इसका फोन कर देता है ना, तो वो चेंज हो जाती है यार, एकदम से चेंज हो जाती है वो। मतलब वो उसके बाद अपना वो चाहती है कि बस मानसी को निकाल दो यहाँ से, मानसी नहीं रहनी चाहिए। फिर मैं बोलता हूँ ठीक है, हम गांव में नहीं रहूंगी, मैं रहूंगी भी यहाँ पे रहूंगी। मतलब मैं फंस गया हूँ यार, रात इतना तगड़ा वाला झगड़ा हुआ है ना, बहुत तगड़ा। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं कि सुबह उठेंगे ठीक हो जाएंगे, थोड़ा हो जाता है कभी कभार मोटी, लेकिन सुबह उठने के बाद हाथों पाई तक आ गया था काम। अभी भी रूप ना मानसी बैठी है चुपकर, अपना डोर बंद कर बैठी है वो। रूप डोर खड़खड़ाती है कि डोर खोल, ये खोल, वो खोल डोर, तो बहुत पंगा हो जाता है। जब अभी भी मैं ना आप लोगों को वीडियो मैंने बहुत, ये 3 दिन से हो रहा है हमारा, आप लोगों को बता दें हमारा गाना है, हम उसे अच्छे से प्रमोट नहीं कर पाए, गाने पे व्यू नहीं आया ठीक ठाक से आया, हम उसे अच्छे से प्रमोट नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि जो हमारा माहौल ठीक नहीं चल रहा, जो हमारी प्लानिंग्स थी जो खसा की इस वजह से हम प्रमोट करेंगे वो हम कर नहीं पाए, तो इस कारण बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हम। और मैं अब आप लोगों के सामने ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, आप लोगों को मैं रूप की सच्चाई दिखाऊंगा कि कल को अगर कुछ भी हो जाता है ना यार, वो रूप की हरकतों की वजह से हो रहा है। अब मुझे कोई ब्लेम आए या कुछ है, इससे पहले मैं आप लोगों को सब दिखा दूं कि क्या। और मैं आप लोगों को एक बात जरूर बोलूंगा यार, बहुत से लोग कहते हैं कि मेरी लाइफ बहुत मजे में चल रही है, मैं बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। भाई ये कहने की बात है, जो चीज मैं निकाल रहा हूँ वो मैं जानता हूँ, और जो चीज अब मैं आपको दिखाऊंगा, आप लोगों ने जो चीजें देखी है वो कुछ और है, लेकिन अब कुछ और है, सिचुएशन ही बदल गई यार। मेरा इतना पैसा मूवी पे लग गया, बहुत पैसा लग गया, अब हमें ये नहीं समझ आ रही कि मूवी गाना हमारा चल नहीं रहा ठीक ढंग से, क्योंकि लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा गाना, अच्छा लोगों तक नहीं पहुंचा पाए हम गाने को। नहीं पहुंचाने का रीजन, हम उस पर प्रमोशन के लिए अंदर बाहर नहीं जा सके, कोई पोस्टर बैनर कुछ नहीं बना सके। अब देखो हमने कुछ भी नहीं बनाया, कोई ना अच्छी रील्स बना सके, ना कोई रील पे प्रमोशन कर सके, कुछ नहीं कर सके। लेकिन भाई 2 शादियां करके पछता रहा हूं मैं। अब ना मैं कैमरा लगाऊंगा, मानसी का भी मुझे जस्ट फोन आया कि रूप ने ऐसे ऐसे दरवाजा खटका रही है। मैंने उसे बोला तू कैमरा लगाते, कहती कैमरा तो लगा दूं, आप आओ ना, मैं ऐसे कैमरा लगा के डोर ओपन करूं, मेरे साथ क्या पता क्या करते, जब मुझसे कुछ ज्यादा लग जाए, उससे कुछ ज्यादा लग जाए। तो मैं अभी कैमरा लगा दिया, मैं अभी ऊपर जाऊंगा, मैं दिखाऊंगा कि क्या माहौल है, और मैं रूप को ऑन कैमरा ही समझाऊंगा कि कैमरा चल रहा है, होपफुली वो समझ आए। और आप पीछे नीचे कमेंट करके उसे समझाना भी जरूर। अभी मैं दिखाता हूँ, ऊपर चलता हूँ, मैं गाड़ी में बैठा हूँ। तो गाइस रूप और मेरी 2-3 दिन से पिछले लड़ाई चल रही है, रात भी हमारी काफी हाथापाई भी हुई है, और अब भी वो कंटिन्यूसली डोर लॉक करी जा रही है। जाना घर पे है नहीं, मैंने अपने आप को एक रूम में बंद किया हुआ है। अब वो कहीं जा रहे थे, मैंने उनको एक बार फोन करके बोल दिया कि आप रुक जाओ और वापिस आ जाओ, कहीं मत जाओ। ये देखो अभी भी आवाज आ रही है, वो कंटिन्यूसली ऐसा करी जा रही है। और मैं बाहर इसलिए नहीं जा रही कि ताकि मैं बाहर इसलिए नहीं जा रही ताकि हम दोनों की कोई लड़ाई ना हो जाए, किसी का ज्यादा नुकसान ना हो जाए। अभी मैं ना एक काम करती हूँ, पहले जाना को फोन करूंगी, उनको फिर से बुलाऊंगी कि जल्दी आ जाओ। ये लगातार ऐसे करी जा रही है, और बाहर से भी मुझे नहीं पता डोर वगैरह खुले हैं कि क्या है, बाहर भी सबको सुनाई दे रहा होगा। अब मैं कैमरा भी सेट करूं, मैं जब भी डोर खोलूंगी ना मैं ऑन कैमरा ही खोलूंगी, ऐसे मैं डोर नहीं खोलूंगी, क्योंकि मुझे पता है रात भी हमारी बहुत ज्यादा लड़ाई हुई है। मैं पहले कैमरा सेट करूंगी, जाना को फोन करूंगी, उसके बाद जब वो आएंगे फिर डोर खोलूंगी। तो गाइस ये देखो कंटिन्यू ये ऐसा कर रही जा रही है, और डोर भी देखो, मेरे को इतना डर लग रहा है। तो गाइस बाहर रूप और जाना आपस में लड़ रहे हैं, जाना ऊपर आ गया,
अब मैं कुंडी खोलूंगी डोर की, और अब मैं बाहर मैं फिर भी नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे डर लग रहा है बाहर जाके कुछ भी हो सकता है, मैं अपना अंदर बैठ जाऊंगी चुप करके। नहीं कर रहे, इसका मतलब क्या हर बार नहीं कर रहा, कह रहा अब छोड़, इसका हर बार यही है, ये हमेशा आपको चुगली लगाती है। मैंने कौन सी चुगली लगाई? इन्हें चुगली क्या लगाई है? तो यही तो है ना, इसकी चुगली ये बिचारी बन जाती है। हाथ मत हटा, तो ये क्या बोले, मेरे हाथ हाथ नहीं उठा, हमेशा आपको अपने पास हाथ चिपका के रखती है। क्यों नहीं रखती है हमेशा अपने पास चिपका के? बोलती है सब कुछ, बोलती है सब सब बस कर सब सब ठीक
तो गाइस पहले तो मैं ये बता दूं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि रूप और मानसी का झगड़ा हो। मेरे साथ हो जाता बीच बीच में कभी कभार, ये सच्ची बोल रहा हूँ। मेरे साथ कभी रूप का हो जाता, कभी मानसी का हो जाता, वो भी इन दोनों को लेकर नहीं होता। या इनसे कोई मैंने काम कर रखा कह रखा होता, इन्होंने नहीं वो किया होता, या मैंने कह रखा होता या इन्होंने कह रखा होता मैंने नहीं किया, तो वैसा होता है। ठीक है, क्यों इतना उलझा रहे हो? साफ साफ चलो जो भी है मेरे साथ होता है, इनका नहीं। हमारा ये प्रैंक था, प्रैंक क्यों था अब आप लोगों को बता दूं, प्रैंक का भी रीजन था। 10 मई को हमारी स्टोरी आ रही है और जो ये झगड़ा हुआ था ना, अब ऐसा झगड़ा रियल में भी हमारा हुआ था। तो मेरी दोनों वाइफ का वो झगड़ा ऐसा कैसा होता था, इससे भी बढ़कर होता था। आज तो ये सिर्फ ऐसे ऐसे टच कर रही थी, क्योंकि मैंने तो ये भी बोला था एक दूसरे के बाल खींच लेना, लेकिन मानसी ने तो हाथ भी नहीं उठाया। इसको मैं बाहर से स्ट्रिक्टली समझा कर लाया था, अगर तुम तीसरा चौथा टेक था हमारा, ये चार टेक्स में तो हाथ ही नहीं उठा रहे थे। फिर मैंने रूप को थोड़ा सा वो बोला कि थोड़ा करना है, तो चलो इन्होंने किया। जो भी इससे भी ज्यादा रियल झगड़ा होता था, एक दूसरे पे ये हाथ भी उठाते थे, बहुत कुछ करते थे ऐसा, और हम सुसाइड तक भी जाते थे। इधर से झगड़ा करके वो भागती जा रही, मैं छलांग लगा रही हूँ, मैं रस्सा उठा रही हूँ, ऐसी ऐसी हरकतें होती थी। वो सब आपको मूवी में देखने को मिलेगा। हमारा आया है मूवी का एक गाना आ चुका है, हमारी रियल स्टोरी का मूवी का गाना आ चुका है। उस गाने में थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा लोगों ने ना, वो गाना जिन्होंने देखा है, वो लोग गाना देख कर ये बोल रहे हैं हम स्टोरी नहीं समझ आई। भाई गाने में सारी स्टोरी रिवील कर देंगे तो फिल्म का क्या करेंगे? और स्टोरी हमारी इतनी सी, 3 मिनट का गाना, 3 मिनट की तो स्टोरी हो भी नहीं सकती ना। स्टोरी बहुत लंबी है हमारी, है ना। वो स्टोरी ये लगा लो कि 2 घंटे तक चलेगी मूवी, इतनी लंबी स्टोरी है, तो जाके कवर होगी। वो 2 घंटे में बहुत बहुत कुछ हम मिस कर रहे हैं, लेकिन मेन पार्ट हम निकाल कर लाए हैं मूवी के लिए। और शूट हो चुका है, एडिटिंग चल रही है, थोड़ा सा काम रह गया। 10 मई को हमारी मूवी जो है राइट 11 बजे तक मूवी आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे सनी राजपूत यानी इसी चैनल में मिल जाएगी 10 मई को। नीचे ना डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसमें मूवी का गाना है, जिसमें मूवी के सीन से अंदाजा हो जाएगा कि सच में हमारी झगड़े कैसे हो रहे हैं, या बाहर हमारे झगड़े कैसे हो, या पुलिस ने मुझे जब पकड़ा था, मैं पुलिस में जेल में भी रहा हूं, तो वो टाइम कैसा निकाला मैंने, मुझे पुलिस ने कब पकड़ा था, क्यों पकड़ा था, क्या हुआ था, क्या, ये सब कुछ आपको वहां देखने को मिलेगा। मतलब जम्मू गया था मैं, जम्मू में मुझे बहुत सारे लोगों ने पकड़ लिया था वहां पे, तो जम्मू में रात के 1 बजे का टाइम था, लोगों ने इन द सेंस की जो नशे वगैरह करते हैं या चोर 1-2 बजे का टाइम लुटेरे, हाँ उन्होंने मुझे पकड़ लिया था। और वहां जम्मू की सड़कें गाँव की बहुत छोटी छोटी ऊंची नीची पहाड़ी इलाका ऐसा बहुत फंस गया था मैं, वो मूवी में देखने को मिलेगा आप लोगों को। और ये जो हमने प्रैंक किया है, ये प्रैंक करने का रीजन भाई कि ऐसी लड़ाई ऐसी नहीं, इससे 4 गुना ज्यादा लड़ाई होती थी इनकी रियल में, तो वो झगड़ा आपको मूवी में दिखाया जाएगा। और ये आज इतना प्यार इनमें क्यों बना है, ऐसा क्या हुआ था कि ऐसा नहीं है कि ये चीज मेरे समझाने से ये समझ गई थी, जैसे आज मैं समझा रहा था नहीं समझ रही थी ना, तब भी मैं इनको समझाता था झगड़ा मत करो, ये नहीं समझती थी, लेकिन ये क्यों समझी, कैसे समझी, क्या हुआ था, वो सब कुछ फिल्म में देखने को मिलेगा। मुझे ना लोग बोलते हैं कि भाई यार ये कैसे 2 वाइफ को रख रहा, हमें भी टिप दो यार, हमें मैले टिप तो लो मत भाई, 2 वाइफ तो रख ही नहीं सकते। फिर कुछ लोग बोलते हमारी 1 वाइफ है वो भी नहीं संभलती, झगड़ा होता है, उनको ये मूवी दिखा देना, ये 2 शादियों तो भूल जाओ, जिनकी 1 शादी और रखी है वो मूवी दिखा देना, या जिसकी 1 होगी वो देख लेना भाई, क्यों ये चेंज हुई है आपको मूवी से पता चल जाएगा। सो 10 मई को मूवी आ रही है, प्लीज मूवी देखना, आज का प्रैंक कैसा लगा। और जो हमारा मूवी का गाना है वो 2 तारीख को आया था, आ चुका है, जिसने देख लिया थैंक यू, जिसने नहीं देखा दिल भर दिल जानिया सॉन्ग का पोस्टर आपको लगातार स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस पोस्टर पे गाने का नाम है, ऐसा थंबनेल है, इसको सर्च करके आप ये गाना देख सकते हो, मूवी के सीन मिल जाएंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। सो किसी को हमारा प्रैंक अच्छा ना लगा हो तो सॉरी, अगर जिस जिसको मजा आया हो थैंक यू, नीचे कमेंट कर देना। बाय बाय, चैनल सब्सक्राइब कर देना, 10 मई को मूवी आ रही है। बाय बाय।